चतरा जिले के पथलगड्डा गांव में ग्रामीण व राहगीरों को नाली के पानी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि इस रास्ते से प्रखंड के हजारों राहगीर प्रत्येक दिन प्रखंड मुख्यालय के सुभाष चौक व गांधी चौक कई आवश्यक कार्यों से आना जाना करते हैं। इतना ही नहीं, प्रखंड कार्यालय पथलगड्डा व थाना परिसर जाने के लिए इसी रास्ते लोग आना जाना हमेशा करते हैं। नालियों के गंदे पानी सड़कों पर बहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है, पर अब तक किसी ने इस ओर संज्ञान नहीं लिया है, जिससे यह बीमारी को आमंत्रित करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पत्थलगड़ा से प्रमोद राणा की रिपोर्ट। हम लोग का मोहल्ला में सिंघानी में जो नाली का पानी जो रास्ता में बह रहा है, उससे काफी आवागमन में भी प्रभावित होता है और हम लोग को भी रास्ता में निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम लोग बार बार इसका आवेदन थाना में भी दिए और वीडियो के पास भी दिए और उसके आगे भी कुछ फॉरवर्ड किया गया, लेकिन इसका मतलब और विधायक जी को भी एक बार ला करके यहाँ बताया गया, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा आने जाने में रास्ता में यात्री को भी परेशानी होता है और यहाँ जो हम लोग रह रहे हैं उन लोग को भी बहुत काफ़ी परेशानी हो रहा है। हम लोग कभी कभी बीमारी से भी ग्रस्त हो जाते हैं इस नाली के पानी से। इसके लिए हम लोग भी अपना गांव मोहल्ला में भी बैठ करके इसको समाधान करने का प्रयास किए, लेकिन इस पानी बहाने वाले कभी मानते नहीं हैं, तो इससे तो हम बोलेंगे कि इस पर जल्द से जल्द समाधान किया जाए और नहीं तो आने वाला समय में बीमारी का ही रूप लेगा। या तो नाली बनाने का इस पर प्रक्रिया किया जाए, या तो फिर घर घर अपना जो पानी बहाते हैं वो अपना खुद समाधान कर लें, या तो शिक्षा के माध्यम से करें, या तो फिर जो भी अपना समाधान करने का माध्यम हो वो अपने स्वयं कर लें। हम लोग तो काफ़ी परेशान हुए हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। द्वारा संचालित की जाती है, उसमें हम लोगों ने इस जो नाली निर्माण है इसका ग्राम सभा करा करके भेज दिए हैं और हम लोग अगले 10-15 दिन में फिर पुनः इसकी बैठक होने वाली है और पुनः हम लोग फिर से इसको दोबारा ग्राम सभा करा के दिए हैं। संभवतः अगले 2-3 महीने में यह योजना यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ताकि ये जो समस्याएं आ रही है नाली का बहाव को लेकर के या नाली निर्माण को लेकर के, तो ये समस्याओं को हम लोग इस ग्राम सभा में पारित करवा करके और जिला स्तर से पारित करवाते हुए यहाँ पे हम लोग काम शुरू करवाएं, ताकि ये समस्या दूर हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है, सांसद महोदय को भी सौंपा गया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी सौंपा गया है, पर अब तक मतलब कहीं से भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो सभी स्तर पे हमारे विधायक महोदय जी को भी गया, उनकी प्रतिलिपि आई है मेरे पास और सभी के पास गया हुआ है ये, क्योंकि हम लोग पिछले कई 1-1.5 साल से कोरोना वायरस को लेकर बहुत परेशान थे, तो इसको लेकर के हम लोग नहीं कर पाए। हमारे उपायुक्त महोदय बार बार बैठक हो जा रही थी हम लोग, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। अब चूंकि थोड़ा सा रफ्तार कम हुआ है उसका, तो हम लोग फिर से पुनः ग्राम सभा करा करके मुखिया जी के माध्यम से अभी हम लोग जिला में भेजे हैं और संभवतः वो पारित हो ही जाएगा। इसको संज्ञान में लेकर के हम लोग भेजे हैं और ये अगले 2-3 महीना में यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा नाली निर्माण को लेकर के। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।